पीपीगंज थाने की पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने हत्या के प्रयास में वांछित 20,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को सिहोरवा मोड़ से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अखिलेश यादव उर्फ भोला यादव पुत्र स्वर्गीय महेश यादव निवासी वार्ड नंबर 4 कस्बा पीपीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त लोहे की पाइप को बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त हत्या के प्रयास में वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 20,000 का इनाम था और हिस्ट्री शीटर भी है, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में पीपीगंज थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अभिनव मिश्रा, कमलेश यादव, एसओजी टीम प्रभारी मनीष यादव, हेड कांस्टेबल राज मंगल सिंह, राम इकबाल राव, अरुण खरवार, कांस्टेबल इंद्रेश वर्मा, रणवीर प्रताप सिंह, रवि चौधरी, अरुण यादव, नामित मिश्रा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, 6 तारीख भोला यादव और उनके परिवार के लोग कब्जा किए थे। शाम का स्वभाव इतना बड़ा लग, इन्होंने 6-8 को रमेश का सौदन और उनको कब्जेदारी को रेलवे की अवैध जमीन अवैध कब्जे को मानता ही नहीं। भोला यादव की संपत्ति ऐसा है कि थाना पीपीगंज में एक हिस्ट्री शीटर भोला यादव जो रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, दूसरा पक्ष भी वही जमीन की साफ सफाई करने आया तो इन्हें लगा कि यह भी अब यहाँ बसेंगे। इन्होंने अपने परिवारजनों के साथ मिल करके दो व्यक्तियों पर जानलेवा हमला किया, उनके हाथ पैर तोड़ डाले। इनके खिलाफ थाना पीपीगंज में 307 IPC का मुकदमा दर्ज हुआ। इनके ऊपर 20,000 का इनाम घोषित था। एसओजी टीम और थाना पीपीगंज पुलिस ने आज इन्हें गिरफ्तार किया है। रेलवे डिपार्टमेंट की जिस जमीन पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, रेलवे डिपार्टमेंट स्थानीय पुलिस के सहयोग से आज वह निर्माण वहाँ से पूरी तरह से ध्वस्त करके हटा रहा है। इनको अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा।